हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेल काउंटर का उपयोग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या उपयोग होता है, किस लिए करते हैं। सब हम जानते किस लिए करते हैं सेल काउंटर का उपयोग। हम डीएलसी काउंटर जो सीवीसी में हमारी कंप्लीट ब्लड काउंट में डीएलसी होती है, डिफरेंशियल लिम्फोसाइट, उसको काउंट करने के लिए सेल काउंटर उपयोग करते हैं। भाई जानते कैसे करते हैं सेल काउंटर का सर्वप्रथम देख लेते हैं। इसमें डिफरेंशियल लिम्फोसाइट जो होती है हमारी, देखिए पांच होती हैं, बेसो, स्नो, मोनो और लिम्फो और कॉलिजन। और ये हमारा टोटल इसमें दिखाता है। तो मेंशन करने के लिए, काउंट करने के लिए, जब माइक्रोस्कोपी हम करते हैं या कोई भी मतलब की एमडी टेक्नीशियन करते हैं माइक्रोस्कोपी, उसमें काउंट करते हैं जिसमें जो भी सेल दिखता है। अगर स्नो दिखता है स्नो, मोनो, बेसो, लिम्फो, जो भी जितने भी सेल दिखते हैं ऐसे काउंट करते जाते हैं। ऐसे काउंट करके यहाँ पर हमारा टोटल दिखाता है। एक ऐसी स्थिति आती है 100 हो जाए, 100 होने पे या 100 पूरा हो जाते हैं, मतलब टोटल जब 100 हो जाता है, 100 पूरे होते ही इसमें एक आवाज़ आती है, जबकि हम पता चलता है कि 100 हमारे सेल कम्प्लीट हो गए हैं। तो हर लैब का अलग अलग रूल होता है, कहीं 100 टोटल मतलब कि डिफरेंशियल लिम्फोसाइट देते हैं, कहीं और कुछ कम भी देते हैं। तो आशा करते समझ में आया होगा कैसे सेल काउंटर का उपयोग करना है। थैंक यू।